सो गाइस आज हम सीखेंगे डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स विद हिंदी मीनिंग। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। मुलजिम को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिफेंडेंट, डिफेंडेंट। संदिग्ध को हम इंग्लिश में बोलेंगे सस्पेक्ट, सस्पेक्ट। पुलिस अधिकारी को हम इंग्लिश में पुलिस ऑफिसर बोलेंगे, पुलिस ऑफिसर। जासूस को हम इंग्लिश में डिटेक्टिव बोलेंगे, डिटेक्टिव, डिटेक्टिव। हथौड़ा को हम इंग्लिश में बोलेंगे गेवल, गेवल। बंदूक को हम इंग्लिश में बोलेंगे गन, गन। हथकड़ी को हम इंग्लिश में बोलेंगे हैंडकफ्स, हैंडकफ्स। कारागार को हम इंग्लिश में बोलेंगे जेल, जेल। अंगुली की छाप को हम इंग्लिश में बोलेंगे फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट। बिल्ला को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेज, बेज। बचाव पक्ष के वकील को हम इंग्लिश में बोलेंगे डिफेंस अटॉर्नी, डिफेंस अटॉर्नी। गवाह को हम इंग्लिश में बोलेंगे विटनेस, विटनेस। अदालत का पत्रकार को हम इंग्लिश में कोर्ट रिपोर्टर बोलेंगे, कोर्ट रिपोर्टर। न्यायाधीश को हम इंग्लिश में बोलेंगे जज, जज। उद्विलाव को हम इंग्लिश में ओटर बोलते हैं, ओटर। झींगा को हम इंग्लिश में श्रिम्प बोलते हैं, श्रिम्प। डॉल्फिन को हम इंग्लिश में डॉल्फिन ही बोलते हैं, डॉल्फिन। पेंगुइन को हम इंग्लिश में पेंगुइन ही बोलते हैं, पेंगुइन। मछली को हम इंग्लिश में फिश बोलते हैं, फिश। ओर्का फिश को हम इंग्लिश में ओर्का फिश बोलते हैं, ओर्का फिश। केकड़ा को हम इंग्लिश में क्रैब बोलते हैं, क्रैब। एकांतवासी केकड़ा को हम इंग्लिश में हर्मिट क्रैब बोलते हैं, हर्मिट क्रैब। मेंढक को हम इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं, फ्रॉग। भालू को हम इंग्लिश में बियर बोलते हैं, बियर। मगरमच्छ को हम इंग्लिश में क्रोकोडाइल बोलते हैं, क्रोकोडाइल। जेली फिश को हम इंग्लिश में जेली फिश बोलते हैं, जेली फिश। स्टिंगवे को हम इंग्लिश में स्टिंगवे ही बोलते हैं, स्टिंगवे। कछुआ को हम इंग्लिश में टर्टल बोलते हैं, टर्टल। और फ्रेंड्स अष्टबाहु को हम इंग्लिश में ऑक्टोपस बोलते हैं, ऑक्टोपस। क्लोन फिश को हम इंग्लिश में क्लोन फिश ही बोलते हैं, क्लोन फिश। समुद्री घोड़े को हम इंग्लिश में सी हॉर्स बोलते हैं, सी हॉर्स। घोंघा को हम इंग्लिश में स्नेल बोलते हैं, स्नेल। जल व्याघ्र को हम इंग्लिश में सील बोलते हैं, सील। झींगा मछली को हम इंग्लिश में लॉबस्टर बोलते हैं, लॉबस्टर। व्हेल मछली को हम इंग्लिश में व्हेल बोलते हैं, व्हेल।
साक मछली को हम इंग्लिश में साक बोलते हैं, साक। वाल्वस को हम इंग्लिश में वाल्वस ही बोलते हैं, वाल्वस। सीप को हम इंग्लिश में ऑयस्टर बोलते हैं, ऑयस्टर। कालफ को हम इंग्लिश में मसल बोलते हैं, मसल, मसल। दरियाई घोड़ा को हम इंग्लिश में हिप्पोपोटामस बोलते हैं, हिप्पोपोटामस। तलवार मछली को हम इंग्लिश में स्वॉर्ड फिश बोलते हैं, स्वॉर्ड फिश। तारा मछली को हम इंग्लिश में स्टार फिश बोलते हैं, तारा मछली या फिर नक्षत्र मछली, इसको हम स्टार फिश बोलते हैं। पिरान्हा मछली को हम इंग्लिश में पिरान्हा बोलते हैं, पिरान्हा। स्क्विड को हम इंग्लिश में स्क्विड ही बोलते हैं, स्क्विड। जल सर्प को हम इंग्लिश में एनाकोंडा बोलते हैं, एनाकोंडा। बाम मछली को हम इंग्लिश में ईल बोलते हैं, ईल। मनाती को हम इंग्लिश में मनाती ही बोलते हैं, मनाती। मांसाहारी व्हेल को हम इंग्लिश में किलर व्हेल बोलते हैं, किलर व्हेल। कूड़ादान, कूड़ादान को इंग्लिश में डस्टबिन बोलेंगे, डस्टबिन। बर्तन को हम इंग्लिश में यूटेंसिल्स बोलते हैं, यूटेंसिल्स। अगरबत्ती को हम इंग्लिश में इंसेंस स्टिक्स बोलते हैं, इंसेंस स्टिक। रुमाल को हम इंग्लिश में हैंडकर चीफ बोलेंगे, हैंडकर चीफ। चटाई को हम इंग्लिश में मैट बोलते हैं, मैट। कुर्सी को हम इंग्लिश में चेयर बोलेंगे, चेयर। आईना को इंग्लिश में मिरर बोला जाता है, मिरर। बाती को हम इंग्लिश में विक बोलते हैं, विक। बाती वो होती है जिससे दिया जलता है, तो उसको हम बाती बोलते हैं, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं विक। घड़ी को इंग्लिश में क्लॉक बोलते हैं, क्लॉक। दांतों के ब्रश को हम इंग्लिश में टूथ ब्रश बोलते हैं, टूथ ब्रश। दंत मंजन को हम इंग्लिश में टूथ पाउडर बोलते हैं, टूथ पाउडर। नल को हम इंग्लिश में टैप बोलते हैं, टैप, और इसको फोसेट भी बोलते हैं। बाल्टी को हम इंग्लिश में बकेट बोलते हैं, बकेट। सुराही को हम इंग्लिश में जग बोलते हैं, जग। साबुन को हम इंग्लिश में सोप बोलते हैं, सोप। साबुनदानी को हम इंग्लिश में सोप केस बोलते हैं, सोप केस। शौचासन को हम इंग्लिश में टॉयलेट या फिर कमोड बोलते हैं, टॉयलेट या फिर कमोड। झूला कुर्सी को हम इंग्लिश में स्विंग चेयर बोलते हैं, स्विंग चेयर। तुलिया को इंग्लिश में टॉवल बोला जाता है, टॉवल। कच्चा को हम इंग्लिश में अंडरवियर बोलते हैं, अंडरवियर। अलमारी को इंग्लिश में कबाड बोला जाता है, इसमें पी साइलेंट होता है, इसको बोलेंगे कबाड। बोरा को हम इंग्लिश में सैक बोलते हैं, बोरा मतलब कट्टा, इसको बोलते हैं सैक।
कमीज को इंग्लिश में शर्ट बोलते हैं, शर्ट। और फ्रेंड्स पतलून को इंग्लिश में ट्राउजर बोलते हैं, ट्राउजर। और दरी को इंग्लिश में कारपेट बोलते हैं, कारपेट। और कंघी को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉम, इसमें एम साइलेंट रहता है, इसको बोलेंगे कॉम। अंगीठी को इंग्लिश में बोलते हैं हार्थ, हार्थ। रस्सी को इंग्लिश में हम बोलते हैं रोप, रोप। तेल को इंग्लिश में ऑयल बोला जाता है, ऑयल। झूमर को इंग्लिश में हम चैंडेलियर बोलते हैं, चैंडेलियर। मंदिर को इंग्लिश में टेंपल बोलते हैं, टेंपल। रसोई घर को इंग्लिश में किचन बोलते हैं, किचन। खाट या फिर चारपाई को इंग्लिश में कोट बोलते हैं, कोट। चिलमची को इंग्लिश में हम वॉश बेसिन बोलते हैं, वॉश बेसिन। ओखली को हम इंग्लिश में मोर्टर बोलते हैं, मोटर। कपड़े धोने की मशीन को हम इंग्लिश में वॉशिंग मशीन बोलते हैं, वॉशिंग मशीन। तिजोरी को हम इंग्लिश में वॉल्ट बोलते हैं, वॉल्ट। झाड़ू को हम इंग्लिश में ब्रूम बोलते हैं, ब्रूम। कंबल को इंग्लिश में ब्लैंकेट कहा जाता है, ब्लैंकेट। रजाई या फिर लिहाफ को इंग्लिश में क्विल्ट बोलते हैं, क्विल्ट। पंखा को हम इंग्लिश में फैन बोलते हैं, फैन। और पायदान को इंग्लिश में हम डोरमेट बोलते हैं, डोरमेट। सोफा को हम इंग्लिश में काउच बोलते हैं, काउच। कलम को इंग्लिश में हम पेन बोलते हैं, पेन। किताब को हम इंग्लिश में बुक बोलते हैं, बुक। संदूक को हम इंग्लिश में बॉक्स बोलते हैं, बॉक्स। फूलदान को हम इंग्लिश में फ्लावर वास बोलते हैं, फ्लावर वास। बोतल को हम इंग्लिश में बोटल बोलते हैं, बोटल। चूल्हा को हम इंग्लिश में स्टोव बोलते हैं, स्टोव। तराजू को इंग्लिश में हम बोलेंगे वेटिंग बैलेंस, वेटिंग बैलेंस। नेक्स्ट वर्ड है पोंछा, पोंछा को हम इंग्लिश में मोप बोलते हैं, मोप। नेक्स्ट वर्ड है अब मोमबत्ती, मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल बोलते हैं, कैंडल। अब नेक्स्ट वर्ड है पर्दा, पर्दे को हम इंग्लिश में कर्टेन बोलते हैं, कर्टेन। मेज को हम इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, टेबल। और छती को इंग्लिश में अम्ब्रेला कहा जाता है, अम्ब्रेला। स्त्री को इंग्लिश में आयवन कहते हैं, आयवन। चाबी को हम इंग्लिश में की बोलते हैं, की। ताला को हम इंग्लिश में
लॉक बोलते हैं, लॉक। तकिया को हम इंग्लिश में पिलो या फिर कुशन बोलते हैं, पिलो कुशन, पिलो कुशन। और गद्दा को हम इंग्लिश में मैट्रेस बोलते हैं, मैट्रेस। चादर को हम इंग्लिश में बेडशीट बोलते हैं, बेडशीट। वातानुकूलक को हम इंग्लिश में एयर कंडीशनर बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में एसी कहते हैं, एयर कंडीशनर। बिस्तर को हम इंग्लिश में बेड बोलते हैं, बेड। ग्लास को हम इंग्लिश में टम्बलर बोलते हैं, टम्बलर। वैसे तो इसे नॉर्मली हम ग्लास ही बोलते हैं इंग्लिश में। चाय की छलनी को हम इंग्लिश में टी स्ट्रेनर बोलते हैं, टी स्ट्रेनर। चिमटा को हम इंग्लिश में टोंग बोलते हैं, टोंग। चावल को इंग्लिश में हम वाइस बोलते हैं, वाइस। गेहूं को हम इंग्लिश में वीट बोलते हैं, वीट। समा चावल को हम इंग्लिश में लिटिल मिलेट बोलते हैं, लिटिल मिलेट। गेहूं के आटे को हम इंग्लिश में होल वीट फ्लोर बोलते हैं, होल वीट फ्लोर। चावल के आटे को हम इंग्लिश में राइस फ्लोर बोलेंगे, राइस फ्लोर। साबूदाना को हम इंग्लिश में सेगो बोलेंगे, सेगो। और दलिये को इंग्लिश में क्रैक्ड व्हीट या फिर ब्रोकन व्हीट कहा जाता है, क्रैक्ड व्हीट या फिर ब्रोकन व्हीट। ज्वार को हम इंग्लिश में सोरगम बोलते हैं, सोरगम। राजगिरा या फिर रामदाना को इंग्लिश में अमरवंथ सीड्स बोलते हैं, अमरवंथ सीड्स। कुट्टू को हम इंग्लिश में बकव्हीट बोलते हैं, बकव्हीट। बाजरा को हम इंग्लिश में पर्ल मिलेट बोलते हैं, पर्ल मिलेट। मखाना को हम इंग्लिश में फॉक्स नट्स बोलते हैं, फॉक्स नट्स। मैदा को हम इंग्लिश में ऑल पर्पज फ्लोर बोलते हैं, ऑल पर्पज फ्लोर। जौ को हम इंग्लिश में बावले बोलते हैं, बावले। अरारोट के आटे को हम इंग्लिश में एरोरूट फ्लोर बोलते हैं, एरोरूट फ्लोर। मक्के के दलिये को हम इंग्लिश में कॉर्न मील बोलते हैं, कॉर्न मील। जो दलिया को हम इंग्लिश में बावले ग्रोट्स बोलते हैं, बावले ग्रोट्स। सिंघाड़े को हम इंग्लिश में वाटर चेस्टनट फ्लोर बोलते हैं, वाटर चेस्टनट फ्लोर। पोहे को हम इंग्लिश में बीटन राइस या फिर फ्लैटन राइस बोलते हैं, बीटन राइस, फ्लैटन राइस। बेसन को हम इंग्लिश में बंगाल ग्राम फ्लोर बोलते हैं, बंगाल ग्राम फ्लोर। कोदो को हम इंग्लिश में कोदो मिलेट बोलते हैं, कोदो मिलेट। रवा या फिर सूजी को हम इंग्लिश में क्रीम ऑफ व्हीट या फिर सेमेलिना बोलते हैं, क्रीम ऑफ व्हीट, सेमेलिना। कंगनी या फिर टांगुन को हम इंग्लिश में फॉक्स टेल मिलेट बोलते हैं, फॉक्स टेल मिलेट। जई को हम इंग्लिश में ओट बोलते हैं, ओट। नचनी या फिर रागी को हम इंग्लिश में फिंगर मिलेट बोलते हैं, फिंगर मिलेट। मक्का या फिर भुट्टा को हम इंग्लिश में कॉर्न या फिर मैच बोलते हैं, कॉर्न मैच। मुरमुरा को हम इंग्लिश में पफ्ड राइस बोलते हैं, पफ्ड राइस।
भूरा चावल को हम इंग्लिश में ब्राउन राइस बोलते हैं, ब्राउन राइस। कुट्टू के आटे को हम इंग्लिश में बकव्हीट फ्लोर बोलते हैं, बकव्हीट फ्लोर। वाजगिरा लाहा को हम इंग्लिश में पफ्ड एमारंथ बोलते हैं, पफ्ड एमारंथ। वाजगिरा के आटे को हम इंग्लिश में एमारंथ फ्लोर बोलते हैं, एमारंथ फ्लोर। मक्के के पोहे को हम इंग्लिश में कॉर्न फ्लेक बोलते हैं, कॉर्न फ्लेक। उकड़ा चावल को हम इंग्लिश में पारबॉइल्ड राइस बोलते हैं, पारबॉइल्ड राइस। सेवई या फिर फेनी को इंग्लिश में वर्मेसेली बोलते हैं, वर्मेसेली। मक्के के आटे को हम इंग्लिश में मैच फ्लोर बोलते हैं, मैच फ्लोर। क्यूनोआ को हम इंग्लिश में क्यूनोआ ही बोलते हैं, क्यूनोआ। मेष राशि को इंग्लिश में हम एराइस बोलते हैं, एराइस। वृषभ राशि को हम इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं, टॉरस। मिथुन राशि को हम इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं, जेमिनी। कर्क राशि को हम इंग्लिश में कैंसर बोलते हैं, कैंसर। सिंह राशि को हम इंग्लिश में लियो बोलते हैं, लियो। कन्या राशि को हम इंग्लिश में वर्गो बोलते हैं, वर्गो। तुला राशि को हम इंग्लिश में लिब्रा बोलते हैं, लिब्रा। वृश्चिक राशि को हम इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोलते हैं, स्कॉर्पियो। धनु राशि को हम इंग्लिश में सेजिटेरियस बोलते हैं, सेजिटेरियस। और मकर राशि को हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न। कुंभ राशि को हम इंग्लिश में एक्वारियस बोलते हैं, एक्वारियस। मीन राशि को हम इंग्लिश में पाइसेस बोलते हैं, पाइसेस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलियस या फिर एट, हिंदी में इसको बोलते हैं उर्फ। इसको एलियस भी बोलते हैं और एट द रेट भी बोलते हैं, एट द रेट बोल दो या फिर एट बोल दो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैस और हिंदी में इसको हम हैस ही बोलते हैं, हैस। और यह है फ्रेंड्स डॉलर, इंग्लिश में इसे डॉलर बोलते हैं और हिंदी में भी इसको हम डॉलर चिन्ह बोलते हैं, डॉलर। यह है फ्रेंड्स परसेंट, इसको इंग्लिश में परसेंट और हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं, परसेंट। और यह है फ्रेंड एस्ट्रिक्स, इंग्लिश में इसे एस्ट्रिक और हिंदी में इसे तारक चिन्ह बोलते हैं, एस्ट्रिक। और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रुपी और हिंदी में इसको हम रुपए का चिन्ह बोलते हैं, रुपी। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी या फिर सिंगल कॉट साइन और हिंदी में इसको हम एकल उद्धरण चिन्ह बोलते हैं, अपोस्ट्रोफी या फिर सिंगल कॉट साइन। और यह है फ्रेंड्स सेमीकोलन, इंग्लिश में सेमीकोलन और हिंदी में इसे अर्धविराम बोलते हैं, सेमीकोलन। और यह है फ्रेंड्स इज इक्वल टू,
इंग्लिश में इज इक्वल टू और हिंदी में इसे हम बराबर का चिन्ह बोलते हैं, इज इक्वल टू। ये है फ्रेंड कोटेशन मार्क, हिंदी में इसे उदाहरण चिन्ह बोलते हैं, कोटेशन मार्क। और ये है फ्रेंड्स कोलन, और हिंदी में इसे हम बोलते हैं अपूर्ण विराम, कोलन। और ये है फ्रेंड्स ट्रेडमार्क, हिंदी में इसे हम बोलते हैं व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क। और ये है फ्रेंड्स कॉपीराइट, हिंदी में इसे हम बोलते हैं प्रकाशनाधिकृत, मतलब कॉपीराइट। और ये है फ्रेंड्स रजिस्टर्ड, हिंदी में इसे हम पंजीकृत बोलते हैं, रजिस्टर्ड। और यह है फ्रेंड्स डिग्री सेल्सियस, हिंदी में इसे हम डिग्री सेल्सियस ही बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस। और इसको हम बोलते हैं डिग्री, और हिंदी में भी हम इसको डिग्री ही बोलते हैं, डिग्री। और यह है फ्रेंड्स पाउंड साइन, हिंदी में भी इसे हम पाउंड चिन्ह बोलते हैं, पाउंड साइन। और यह है फ्रेंड्स यूरो साइन, हिंदी में भी इसे हम यूरो चिन्ह बोलते हैं, यूरो। और यह है फ्रेंड्स कोमा, हिंदी में इसे हम अल्पविराम बोलते हैं, कोमा। और यह है फ्रेंड्स डॉट या फिर फुल स्टॉप, हिंदी में इसे हम बिंदु या फिर पूर्ण विराम बोलते हैं, डॉट या फिर फुल स्टॉप। और यह है फ्रेंड्स पैरेंथेसिस या फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, हिंदी में इसे हम कोष्ठक बोलते हैं, पैरेंथेसिस या फिर ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। और यह है फ्रेंड्स राउंड ब्रैकेट्स, हिंदी में इसको हम बोलते हैं गोल कोष्ठक, राउंड ब्रैकेट्स। और यह है फ्रेंड्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्ग कोष्ठक, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और यह है फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। और यह है फ्रेंड्स पाई, हिंदी में इसको हम पाई का चिन्ह बोलते हैं, पाई। और यह है फ्रेंड्स डेल्टा, हिंदी में हम इसको डेल्टा चिन्ह बोलते हैं, डेल्टा। और यह है फ्रेंड्स स्लैश, हिंदी में हम इसको ओब्लिक बोलते हैं, स्लैश। और यह है फ्रेंड्स ब्रेसेस, हिंदी में हम इसको धनु कोष्ठक बोलते हैं, ब्रेसेस। और यह है फ्रेंड्स डैश, हिंदी में हम इसको निर्देशिका बोलते हैं, डैश। और यह है फ्रेंड्स हाइफेन, हाइफेन और डैश एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों का यूज अलग अलग होता है, तो हाइफेन को हम हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह। कागज को हम इंग्लिश में पेपर बोलते हैं, पेपर।
पेंसिल को हम इंग्लिश में पेंसिल ही बोलते हैं, पेंसिल। गोंद को हम इंग्लिश में गम बोलते हैं, GUM, गम। स्याही, स्याही को हम इंग्लिश में इंक बोलते हैं, इंक। कागज दाब को हम इंग्लिश में पेपर वेट बोलते हैं, पेपर वेट। किताब को हम इंग्लिश में बुक बोलते हैं, बुक। रजिस्टर को हम इंग्लिश में रजिस्टर ही बोलते हैं, रजिस्टर। कलम को हम इंग्लिश में पेन बोलते हैं, पेन। खड़िया पेंसिल को हम इंग्लिश में क्रेयन बोलते हैं, क्रेयन। स्याही की गद्दी को हम इंग्लिश में इंक पैड बोलते हैं, इंक पैड। नीली स्याही को हम इंग्लिश में ब्लू इंक बोलते हैं, ब्लू इंक। मोहक को हम इंग्लिश में सील बोलते हैं, सील। दवात को हम इंग्लिश में इंक पॉट बोलते हैं, इंक पॉट। पत्र को हम इंग्लिश में कार्ड बोलते हैं, कार्ड। और फ्रेंड्स, शब्दकोश को इंग्लिश में डिक्शनरी बोला जाता है, डिक्शनरी। अखबार को हम इंग्लिश में न्यूज़पेपर बोलते हैं, न्यूज़पेपर। कागज कर्तन यंत्र को हम इंग्लिश में पेपर कटर बोलते हैं, पेपर कटर। फीता को हम इंग्लिश में टेप बोलते हैं, टेप। कागज संभाल को हम इंग्लिश में फाइल बोलते हैं, फाइल। पुकारने की घंटी को हम इंग्लिश में कॉल बेल बोलते हैं, कॉल बेल। रसीदी टिकट को हम इंग्लिश में रेवेन्यू स्टाम्प बोलते हैं, रेवेन्यू स्टाम्प। सिपाही को हम इंग्लिश में स्टूल बोलते हैं, स्टूल। कुर्सी को हम इंग्लिश में चेयर बोलते हैं, चेयर। सोखता कागज को हम इंग्लिश में ब्लॉटिंग पेपर बोलते हैं, ब्लॉटिंग पेपर। मेज को हम इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, टेबल। बड़ी मेज को हम इंग्लिश में बेंच बोलते हैं, बेंच। पोस्ट कार्ड को हम इंग्लिश में पोस्ट कार्ड ही बोलते हैं, पोस्ट कार्ड। निमंत्रण पत्र को हम इंग्लिश में इनविटेशन कार्ड बोलते हैं, इनविटेशन कार्ड। परिचय कार्ड को हम इंग्लिश में विजिटिंग कार्ड बोलते हैं, विजिटिंग कार्ड या फिर बिजनेस कार्ड। रसीदा बही को हम इंग्लिश में रिसीप बुक बोलते हैं,
रिसीव बुक। डाक टिकट को हम इंग्लिश में पोस्टेज स्टाम्प बोलते हैं, पोस्टेज स्टाम्प। लिफाफा को हम इंग्लिश में इनवलप बोलते हैं, इनवलप। पर्का को हम इंग्लिश में कंपास बोलते हैं, कंपास। नक्शा को हम इंग्लिश में मैप बोलते हैं, मैप। लेबल को हम इंग्लिश में टैग बोलते हैं, टैग। मापक को हम इंग्लिश में रूलर बोलते हैं, रूलर या फिर स्केल। छेदनी को इंग्लिश में पंच बोला जाता है, पंच, पंच। पंख की कलम को इंग्लिश में क्विल पेन बोलते हैं, क्विल पेन। लेखन पत्र को इंग्लिश में राइटिंग पैड बोलते हैं, राइटिंग पैड। लाल स्याही को इंग्लिश में रेड इंक बोलते हैं, रेड इंक। काली स्याही को इंग्लिश में ब्लैक इंक बोलते हैं, ब्लैक इंक। कलम की नोक को इंग्लिश में निब बोलते हैं, निब। आलपिन को इंग्लिश में पिन बोलते हैं, पिन। कार्बन कागज को इंग्लिश में कार्बन पेपर बोलते हैं, कार्बन पेपर। पारदर्शक कागज को इंग्लिश में ट्रेसिंग पेपर बोलते हैं, ट्रेसिंग पेपर। ईट को इंग्लिश में हम ब्रिक बोलते हैं, ब्रिक। पत्थर या फिर रोड़ा को इंग्लिश में हम स्टोन बोलते हैं, स्टोन। वेद को इंग्लिश में हम सैंड बोलते हैं, सैंड। खपड़ा को इंग्लिश में हम टाइल्स बोलते हैं, टाइल्स। नींव या फिर बुनियाद को इंग्लिश में हम फाउंडेशन बोलते हैं, फाउंडेशन। स्तंभ को इंग्लिश में हम प्लिंथ बोलते हैं, स्तंभ या फिर खंबा, इसको प्लिंथ बोलते हैं। तंबू को इंग्लिश में हम टेंट बोलते हैं, टेंट। अतारी को इंग्लिश में हम एटिक बोलते हैं, एटिक। मेहराब को इंग्लिश में हम आर्क बोलते हैं, आर्क। फर्श को इंग्लिश में हम फ्लोर बोलते हैं, फ्लोर। किरण को इंग्लिश में हम बीम बोलते हैं, बीम। दरवाजे को इंग्लिश में हम गेट बोलते हैं, गेट। कमरे का जो दरवाजा होता है उसे हम डोर बोलते हैं, डोर। खिड़की को हम इंग्लिश में विंडो बोलते हैं, विंडो। और रसोई को हम इंग्लिश में किचन बोलते हैं, ये हम सभी जानते हैं, किचन। बरामदा को हम इंग्लिश में वेरांदा बोलते हैं, वेरांदा। छज्जा को हम इंग्लिश में
बालकनी बोलते हैं, बालकनी। सेना निवास को हम इंग्लिश में बरेक बोलते हैं, बरेक। आंगन को इंग्लिश में हम कोर्ट यार्ड बोलते हैं, कोर्ट यार्ड। स्नान घर को हम इंग्लिश में बाथरूम बोलते हैं, स्नान घर या फिर गुसलखाना। पेशाब घर को इंग्लिश में हम यूरिनल बोलते हैं, यूरिनल। गुम्बद को हम इंग्लिश में क्यूपोला बोलते हैं, क्यूपोला। मंच को हम इंग्लिश में डैश बोलते हैं, डैश। नाली को हम इंग्लिश में ड्रेन बोलते हैं, ड्रेन। झोपड़ी को हम इंग्लिश में कॉटेज बोलते हैं, कॉटेज। बंगला को हम इंग्लिश में बंगलो बोलते हैं, बंगलो। और फ्रेंड्स, इमारत को हम इंग्लिश में बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्डिंग। उस किले को इंग्लिश में हम फोर्ट बोलते हैं, फोर्ट मतलब किला। नाली या फिर पनाला को हम इंग्लिश में गटर बोलते हैं, गटर। कमरा को हम इंग्लिश में रूम बोलते हैं, रूम। छत को हम इंग्लिश में रूफ बोलते हैं, जो छत ऊपर की साइड से होती है उसे हम रूफ बोलते हैं। मंजिल को हम इंग्लिश में स्टोरी बोलते हैं, स्टोरी। जंगला को हम इंग्लिश में वेलिंग बोलते हैं, वेलिंग। भंडार को हम इंग्लिश में स्टोर बोलते हैं, स्टोर। मीनार या फिर घंटाघर को हम इंग्लिश में स्टीपल बोलते हैं, स्टीपल। सीढ़ियों को हम इंग्लिश में स्टेयर्स बोलते हैं, स्टेयर्स। दफ्तर को हम इंग्लिश में ऑफिस बोलते हैं, ऑफिस। कारखाने को हम इंग्लिश में फैक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री। मछली घर को हम इंग्लिश में एक्वेरियम बोलते हैं, एक्वेरियम। गलियारे को हम इंग्लिश में कॉरिडोर बोलते हैं, कॉरिडोर। गिरजाघर को हम इंग्लिश में चर्च बोलते हैं, चर्च। अस्पताल को हम इंग्लिश में हॉस्पिटल बोलते हैं, हॉस्पिटल। मस्जिद को हम इंग्लिश में मॉस्क बोलते हैं, मॉस्क। मंदिर को हम इंग्लिश में टेंपल बोलते हैं, टेंपल। सराय या फिर विश्रामालय को हम इंग्लिश में इन या फिर होटल बोलते हैं, इन या फिर होटल। महल को हम इंग्लिश में पैलेस बोलते हैं, पैलेस। सुई, सुई को इंग्लिश में हम सिरिंज बोलते हैं, सिरिंज। तापमापक यंत्र को हम इंग्लिश में थर्मोमीटर बोलते हैं, थर्मोमीटर। बैसाखी को हम इंग्लिश में क्रचेस बोलते हैं, क्रचेस। रोगी वाहन को हम इंग्लिश में एम्बुलेंस बोलते हैं, एम्बुलेंस। बेंत को हम इंग्लिश में कैन बोलते हैं, कैन। और फ्रेंड्स, परिवाहक को हम इंग्लिश में स्टेथोस्कोप बोलते हैं,
स्टेथोस्कोप। परख नली को हम इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब। पहियेदार कुर्सी को हम इंग्लिश में व्हील चेयर बोलते हैं, व्हील चेयर। जख्म पट्टी को हम इंग्लिश में बैंड एड बोलते हैं, बैंड एड। प्राथमिक चिकित्सा किट को हम इंग्लिश में फर्स्ट एड किट बोलते हैं, फर्स्ट एड किट। पट्टी को हम इंग्लिश में बैंडेज बोलते हैं, बैंडेज। चिकित्सा की छुरी को हम इंग्लिश में स्केलपल बोलते हैं, स्केलपल। सभ्यंता को हम इंग्लिश में आईवी बोलते हैं, आईवी मतलब इंट्रावेनस, आईवी इंट्रावेनस की शॉर्ट फॉर्म है। गोलियों को हम इंग्लिश में पिल्स बोलते हैं, पिल्स। गोली को हम इंग्लिश में टैबलेट बोलते हैं, टैबलेट। चल सहायक को हम इंग्लिश में वोकल बोलते हैं, वोकल। कैप्सूल को इंग्लिश में कैप्सूल ही कहा जाता है, कैप्सूल। प्लास्टा का साँचा को इंग्लिश में प्लास्टा कास्ट बोलते हैं, प्लास्टा कास्ट। जहर को हम इंग्लिश में पॉइजन बोलते हैं, पॉइजन। एक्सरे को हम हिंदी में एक्सरे ही बोलते हैं, एक्सरे। गोफन को इंग्लिश में सिलिंज कहा जाता है, सिलिंज। रबर के दस्ताने को हम इंग्लिश में रबर ग्लोव्स बोलते हैं, रबर ग्लोव्स। धनु कोष्टक को हम इंग्लिश में ब्रेसिज बोलते हैं, ब्रेसिज। स्ट्रेचर को हम इंग्लिश में स्ट्रेचर ही बोलते हैं, स्ट्रेचर। लेंस को हम इंग्लिश में लेंस ही बोलते हैं, लेंस। चश्मे को हम इंग्लिश में ग्लासेस बोलते हैं, ग्लासेस। शल्य चिकित्सा मुखौटा को हम इंग्लिश में सर्जिकल मास्क बोलते हैं, सर्जिकल मास्क। चेहरे का मुखौटे को हम इंग्लिश में फेस मास्क बोलते हैं, फेस मास्क। लवणयुक्त घोल का बैग को हम इंग्लिश में सेलाइन बैग बोलते हैं, सेलाइन बैग। रक्त थैली को हम इंग्लिश में ब्लड बैग बोलते हैं, ब्लड बैग। कैंची को हम इंग्लिश में सीजर्स बोलते हैं, सीजर्स। खुर्दबीन या फिर सूक्ष्मदर्शक यंत्र को हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। दांतों के ब्रश को हम इंग्लिश में टूथ ब्रश बोलते हैं, टूथ ब्रश। बिंदुक को हम इंग्लिश में पिपेट बोलते हैं, पिपेट। दंत लोमक को हम इंग्लिश में डेंटल फ्लॉस बोलते हैं, डेंटल फ्लॉस। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए।